प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यदि टेन टेन ए बराबर 4/4 तो कोण ए के अन्य त्रिकोण में अनुपात ज्ञात कीजिए। उसने कहा भाई टेन ए बराबर 4/3 है, तो अन्य कोण, सभी कोण ज्ञात करने भाई हमें त्रिकोणमित अनुपात, ठीक है, ए के में भी। किसके बच्चों? ए के। तो सबसे पहले देखो, ये दे रखा आपको ट्राइंगल, लेकिन इसके अनुसार नहीं करना, हमें दे रखा टेन ए बराबर 4/3 दे रखा। तो देखो भाई बच्चों, मैं आपको इसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। उसने क्या दिया भाई बच्चों, टेन ए बराबर 4/3 दिया, ये तो दिया भाई 4/3। हाँ भाई, और उसने कहा त्रिभुज है कोई भी, हाँ त्रिभुज है भाई कोई, ये आपका भाई त्रिभुज हो गया, ठीक है भाई, आपको त्रिभुज बना लेना भाई। अगर आपको किसी भी अन्य कोणों के मान निकालने, ये मैंने मान लिया ए, ये मान लिया भाई बी, ये मान लिया प्यारे दोस्तों सी, ये एंगल ए होगा भाई, क्योंकि ए में बात हो रही, तो एंगल ए होगा, ये कोण ए होगा, ठीक है, ये कोण सी होगा, ये कोण बी होगा, तो ये तो 90 डिग्री कोण बनना। अब आप सभी को पता, देखो आपको किसी का भी मान निकालना हो, किसी का भी, तो आपको करना क्या होगा, एल ए एल लाल बटे कक्कर से बात करनी, बात क्या करनी, से फोन करके पूछना भाई कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर भाई टेन ए ले लो, तो टेन ए बराबर इसके ए के अनुसार भाई ये लंब होगा या आधार होगा, एक कण, तो टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, तो ये लंब का मान होगा, ये आधार का, तो लंब बटे आधार हो भाई, क्योंकि यार आपको पता भाई टेन ए ले लो भाई, टेन ए बराबर टेन ए क्या होगा, यहाँ लंब बटे आधार होगा, तो लंब बटे आधार होगा भाई बच्चों। लंब क्या है यहाँ पर, इसका 4 है भाई, तो ये 4 होगी, और ये क्या आधार, 3 है भाई बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी निकालना, त्रिकोणमितीय कितने भी अनुपात निकालने, तो पहले आपको भुजा निकालनी होगी, ये वाली, ये क्या होता भाई, कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता भाई पाइथागोरस के अनुसार, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता भाई फॉर्मूला। कर्ण हमें चाहिए भाई, ये कर्ण ही तो, कर्ण क्या चाहिए, एसी है, तो एसी हमें चाहिए बराबर भाई, एसी है एसी बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो एसी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो एसी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 9 कितना होता है भाई 25, तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, √25 आ जाएगा भाई, भाई अदर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, एंड रूट आ जाएगा, तो ए सी बराबर 25 का मतलब क्या था, 5 का स्क्वायर, लेकिन एंड रूट है इससे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा भाई, इसका मान 5 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 5 इकाई, या 5 मीटर में जो भी ले रखा होगा उसने, ये आ जाएगा 5, तो इसका मान आ गया भाई आपको 5 आ गया। उसने कहा कि सभी अनुपातों के मान ज्ञात करें, मतलब साइन ए, ए के अनुसार ज्ञात करना साइन ए का मान, कोस ए का मान, टेन ए का तो होगा भाई, फिर कोसेक ए का, फिर उसने कहा भाई सेक सबके भाई, सबके क्या 6 होते हैं, सेक ए कोटे भाई, एक का तो मान है उसमें, निकाल लो भाई। अब देखो भाई साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा, लंबटे कण होगा भाई, क्या होगा बच्चों, लंबटे कण, तो लंब क्या ही है, कण ही है, तो लंबटे कण, लंबटे कण 4/5 हो जाएगा भाई। कोस ए बराबर आधार बटे कण, आधार बटे कण 3/5 हो जाएगा, सही मारा भाई बच्चों। फिर टेन, टेन तो बराबर निकाल रखा, फिर कोसेक बराबर कण बटे लंब, ये था कण, कण बटे लंब मैंने करवा रखे आपको, ये कण बटे लंब, कण कण कितना, ये 5, लंब 4, तो 5/4 हो जाएगा, सही मारा भाई। फिर सेक ए बराबर, सेक ए बराबर कितना हो जाएगा भाई बच्चों, कण बटे आधार, कण कितना ये आधार, ये तो कितना हो जाएगा भाई 5/3। फिर कोट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना 3, लंब कितना 4, तो इस प्रकार आप सभी के मान निकाल सकते हो। आई होप बच्चों आप सभी के समय में आया होगा भाई। अब बच्चों आपको याद रखना, साइन ए बराबर लंब बटे
लंब, इसको एल का मतलब लंब होता है, ये कण, तो लंबट एक कण होगा। मान उठा उठा के हाथ रखने, ये लंब, ये आधार और ये कण, यहां से उठा उठा के मान रखने आपको यार। और कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होगा भाई, आधार बटे कण होगा, आधार बटे कण। टेन बराबर तो ले रखा लंब बटे आधार, और कोस एक बराबर वही कर्ण बटे, ये तो इस प्रकार आप मान निकाल सकते हो भाई बच्चों, मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया भाई। सेकंड देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। उसने बोला यदि त्रिभुज वह कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करना भाई कोण बी बराबर कोण क्यू के। देखो भाई दो त्रिभुज बनाने ना आपको भाई, दो त्रिभुज दे भी रखे उसने, उसके अनुसार ही मान लेना है भाई, क्योंकि फिर हमें सिद्ध करने में प्रॉब्लम नहीं होनी भाई। ये कोण आपको बी दे रखा भाई, ये सी मान लो, ये मान लो भाई ए। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर कौन सा भाई बच्चों, दूसरा है। और आपको ये दूसरा त्रिभुज दे रखा भाई, ये क्यू मान लो भाई, हाँ भाई आर पी, ये मान लो भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, अब उसने दे रखा भाई साइन बी बराबर दे रखा साइन क्यू के, किसके भाई बच्चों, साइन क्यू के, दोनों कोण बराबर है एक दूसरे के। और उसने बोला कि हमें सिद्ध कर दिखा करके दिखाना कोण बी बराबर कोण क्यू के। भाई बच्चों, भाई आपने पीछे क्लास 9 में पढ़ रखा क्या भाई, साइड एंगल साइड पढ़ रखा है, तीनों साइड अगर समान हो जा भाई, इस वाले की साइड इस वाली साइड बराबर हो जा, ये वाली साइड बराबर हो जाए इन दोनों के, तो क्या हो जाए कोण बी में दूसरे के एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ रखा। तो साइन बी, साइन का मतलब क्या होता है भाई, लंब बटे कोण होता है भाई, सही मारा भाई, ये बी एंगल है यहाँ पर इसके अनुसार, और यहाँ पर क्यू एंगल है, तो यहाँ पर साइन बी का मान कितना हो जाएगा भाई, लंब बटे भाई लंब कितना, लंबी है कण कितना, ये रहा, तो साइन बी का मान लंब बटे लंब कितना भाई, ए सी है, ए सी बटे कण कितना, ए बी है, ए बी बराबर। ठीक है भाई बच्चों, फिर आपको भाई क्या होता है साइन क्यू, ये भी लंब बटे लंबी हो जाएगा कण ही हो जाएगा, तो लंब कितना भाई पी आर, कण कितना पी क्यू, ये एक दूसरे का भाई क्या भाई बच्चों, बराबर। तो जब ये एक दूसरे का बराबर, तो इनके बराबर में कुछ मान लूंगा भाई, मान लूंगा मैं के पी जो भी आपको मान लो भाई, मान लूंगा मैं। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया ए सी, इस पी आर को लेगा भाई बटे में, मैं पी आर बटे में लिया भाई बराबर, इसको उधर ले आ, तो ए बी बटे में कितना आ जाए बच्चों पी क्यू, कितना आ जाए भाई बच्चों पी क्यू, इसके बराबर क्या मान लिया भाई मैंने, के मान लिया, क्योंकि जब ये एक दूसरे के बराबर है भाई, ये बराबर है, तो इससे जब एक दूसरे के बराबर, तो इसके बराबर मैंने क्या मान लिया, के मान लिया भाई, क्या मान लिया के। अब तुम देखो ए सी, ए सी का मतलब क्या, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, भुजा का अनुपात भाई ए सी फिर पी आर, दोनों भुजा का अनुपात है ये। फिर आपका ए बी, ए बी मतलब ये वाली भुजा, फिर पी क्यू, ये वाली भुजा का अनुपात बराबर है एक दूसरे के। अगर मैं इस वाली भुजा का अनुपात निकाल लूँ इस वाली भुजा का, तो भी क्या होगा, उनका अनुपात अगर बराबर होगा तो हमारा काम सही है भाई, जो हमने उसने करा हुआ एंगल सही हो जाएगा भाई। तो मैं बी सी भुजा निकाल लूँ, क्या निकाल लूंगा, बी सी यहाँ से पी आर, ये वाली भुजा निकाल लूंगा भाई। चलो भाई देखो बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और मुझे क्या चाहिए भाई, आधार ही चाहिए, क्या चाहिए भाई बच्चों, आधार, तो आधार ही है भाई, तो आधार लंब को इधर ले आऊंगा मैं, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा भाई बच्चों बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आधार के स्क्वायर बराबर क्या हो रहा भाई, आधार का स्क्वायर बराबर हो रहा कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, तो आधार क्या है भाई, आपका आधार, आधार है भाई यहां पर आपका इसमें बीसी, तो बीसी का स्क्वायर बराबर कण क्या भाई, ए बी,
ए बी का स्क्वायर माइनस लंब क्या भाई आपका, लंब 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 है ए सी, ए सी का स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, इसमें देखो इस पर अंडरूट डाल दो भाई, तो बी सी बराबर अंडरूट आ जाएगा भाई ए बी का स्क्वायर माइनस के ए सी का स्क्वायर। अब यहां से निकाल दो भाई ये वाली भुजा आर क्यू, भाई आर क्यू निकाल लो या क्यू आर भुजा निकाल लो, या आर क्यू निकाल लो आपकी भुजा, आपकी भाई हो तो एक समान भुजा, क्यू आर या आर क्यू बात एक ही है भाई, आर क्यू या क्यू आर बात तो एक ही है भाई बच्चों, तो क्या हो जाएगा भाई आर क्यू, आर क्यू या क्यू आर भी तो आधार ही भाई बच्चों, तो कर्ण माइनस के लंब हो जाएगा। कर्ण कितना भाई बच्चों यहाँ पर पी आर, पी आर है कर्ण कितना भाई बच्चों, पी क्यू सॉरी पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर अंडर रूट में ले लियो भाई से भी, माइनस लंब का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। अब देखो भाई बच्चों इसे समीकरण नंबर एक मान लो, इसे समीकरण नंबर दो मान लो, समीकरण एक को समीकरण दो से भाग दे दो भाई, तो बी सी बटे में क्या आ जाएगा क्यू आर, ये क्या भाई इसका मान, बी सी का मान ये रहा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अंडर रूट भाई। समझ आ रहा भाई बच्चों, ए बी का मान निकालो भाई यहाँ से, ए बी का मान यहाँ से निकाल दो, जब इसको ए बी का बराबर तो इसका मान क्या के क्यू पी क्यू मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी भाई बच्चों, तो बी सी बटे आ जाएगा क्यू आर बराबर, ए बी का मान रख दिया हमने यहाँ से भाई, ए बी का मान यहाँ से रख दो ने यार, इस पी क्यू की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो के पी क्यू का पूरे का होल स्क्वायर माइनस के ए सी का मान कितना भाई, ए सी, ए सी का मान यहाँ से निकाल, ए सी अभी इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर भाई, इसके बराबरी तो के है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने, तो के पी आर का होल स्क्वायर अंडर रूट में, वो भी बटे में कितना भाई बच्चों, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर, ये के का स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, के का स्क्वायर यहां भी आ जाएगा कॉमन है भाई, तो के स्क्वायर मतलब अंडर रूट में तो बाहर निकल लेंगे, तो के निकल जाकर आ जाएगा भाई बच्चों बाहर, अंदर क्या बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे में कितना बच जाएगा भाई, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, अब ये से कैंसिल भाई पूरे से पूरा, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर कितना आएगा भाई, के किसके बराबर आएगा के, और के बराबर भाई बच्चों ये भी है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर भाई, सभी के बराबर है तो सभी क्या एक दूसरे के बराबर है, और जब सभी एक दूसरे का बराबर है, जो आपने त्रिभुज मान रखे हैं, जो आपके त्रिभुज हैं भाई, त्रिभुज सभी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसके कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या, कोण भी बराबर होगा कोण क्योंकि भाई सर्वांग सम से ए बी ए सी बी सर्वांग सम होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे कोण पी आर क्योंकि, मतलब त्रिभुज ए बी ए सी बी बराबर होगा त्रिभुज पी आर क्योंकि, तो इसका मतलब कोण बी बराबर क्या होगा कोण क्योंकि, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो भाई, सिद्ध कर सकते हो भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। समझ मारा भाई, इसके बस मान रखने और कुछ नहीं भाई, ये भुजा दे रखी उसने तो ये वाली निकाल लो, तो जो भी दे रखी उसने उसके अनुसार एडजस्ट कर दो बस, और कुछ नहीं करना भाई बच्चों इसमें। समझ मारा भाई, तो इस प्रकार आप, चलो भाई प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। उसने दिया त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, इसमें ए बी भुजा इतनी दे दी, बी सी भुजा इतनी दे दी भाई, तो ए बी सी मतलब पूरा एंगल थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान ज्ञात करना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान ज्ञात करना, ये मान ज्ञात करके दिखाने भाई हमें। ठीक है भाई बच्चों, तो उसने क्या दिया भाई, ए सी बी और सी क्या समकोण है भाई, एक त्रिभुज दिया भाई उसने,
देखो भाई बच्चों, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, उसके बाद ही क्या करो। उसने एक त्रिभुज दिया भाई, यहां पर मान लिया भाई त्रिभुज है ये आपका, ये उसने एक त्रिभुज दिया भाई बच्चों। सी क्या दिया भाई? समकोण। सी समकोण का मतलब है सी 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा भाई, ए सी बी, तो बी ए, यहां पर थीटा एंगल है भाई, ये दे रखा भाई उसने। हाँ भाई, और ए बी भुजा दी भाई उसने, ए बी भुजा दी 29, बी सी दी भाई बच्चों, बी सी 21 दी भुजा। तो सबसे पहले आपको कुछ भी मान निकालने, तो तीसरी भुजा निकालनी होगी, क्योंकि जब भी आप साइन के कोस के इनके मान निकाल सकते हो, तब तो उससे पहले नहीं निकलेंगे भाई, तो भुजा निकाल लो भाई। तो फॉर्मूला क्या था भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना भाई आपका? 29 है, तो 29 का स्क्वायर बराबर लंब क्या भाई आपका? लंब कितना भाई बच्चों बताना यार एक बार? लंब हमें चाहिए भाई, लंब उसने कुछ हिंदी दिया तो लंब हमें चाहिए, प्लस फिर क्या भाई? आधार कितना भाई? 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर भाई ये यहीं पर रहेगा, माइनस ये उधर आ जाएगा भाई, 21 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 21 का स्क्वायर बराबर क्या? लंबी तो हमें चाहिए, तो लंब का स्क्वायर। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई? ओ सॉरी, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर नहीं पता भाई मुझे, तो क्या कर लूंगा, 29 गुना 29 में कर लूंगा, 9 81 लग गए 8, 9 2 18 8, 18 8 26 भाई, 2 9 18 लग गया, 1 2 4 1 5, 1 6 और 8 14 हासिल लग गया कितना भाई बच्चों? 14 हासिल लग गया भाई कितना? 1 5 2 7 और 1 8, ठीक है बच्चों। और 21 का स्क्वायर भाई मेरे याद है, 21 का स्क्वायर होता भाई 441, कितना आता भाई बच्चों? 441 21 का स्क्वायर, तो इसका भाई इतना आगा 841 माइनस इसका आ गया भाई 441, ये क्या लंब का स्क्वायर, तो इसमें तो कितना बच जाएगा भाई? 400 बच जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर उधर डाल लूंगा, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा भाई? 400 का रूट आ जाएगा भाई, इधर डाल का रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, तो भुजा कितनी आ गई भाई बच्चे? 20 निकल कर आया, कितने आ गए भाई बच्चे? 20। अब आपको जो भी मान चाहिए वो निकाल लो भाई। उसने बोल रखा कोस स्क्वायर थीटा, उसने बोल रखा भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना भाई, और किसका भाई? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो पहले कोस थीटा साइन थीटा इनका मान पता होना चाहिए भाई, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंबटे भाई, इसके सामने लंब है तो लंबटे क्या होगा? लंबटे कण हो जाएगा भाई। और कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई बच्चों? आधार बटे कण भाई, इससे लगाना एल ए एल लंब लंबटे कक्का, इससे लंबटे कण आधार बटे कण, इससे मान निकाल दो। तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई बच्चों? साइन थीटा बराबर लंब कितना? थीटा के सामने लंब 20 है, कर्ण कितना? 29, तो इसका मान आ जाएगा भाई 20/29। और कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण, आधार कितना? 21, कर्ण कितना? ये 21/29, मान पुट कर दो बस, मान आई गया भाई आपको। कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस थीटा का मान कितना? 21/29 है, लेकिन उसका बच्चों स्क्वायर है प्लस, सॉरी मारा भाई बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन का मान कितना? 20/29 है, तो इसका स्क्वायर पूरे का, क्यों भाई स्क्वायर भी तो है ना, तो स्क्वायर कर दिया बस। अब देखो 21 का स्क्वायर अलग कर दुआ, 29 का स्क्वायर अलग कर दिया भाई मैंने, प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर अलग कर दिया।
अब तुम्हें पता जब हर समान हो तो एक ले लिया, ये भी 29 का स्क्वायर, ये भी 29 का स्क्वायर, तो एक ले लिया भाई बच्चों मैंने 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, अभी बता था भाई। प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 400, कितना होता है भाई बच्चों, 400 होता है। और 29 का स्क्वायर अभी निकाला था भाई 841, तो 441 और 400 कितना हो जाएगा, 841 ही हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 29 का स्क्वायर 841 आ जाएगा, इससे कैंसिल, तो इसका मान कितना आएगा भाई बच्चों, एक। कितना आएगा भाई, एक। तो आपको याद रखना, कहीं पर भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो उसका मान हमेशा एक ही होगा। प्लस में होगा जब भी स्क्वायर में, तो उसका मान एक होगा, इसका मान एक ही होगा, ठीक है भाई बच्चों, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं भाई। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो भाई, आप इसका मान निकाल लो, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का मान कितना भाई, 21/29, तो 21/29, लेकिन इसका स्क्वायर तो पूरे क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो, माइनस साइन का, साइन थीटा का मान 20/29, तो 20/29 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर भाई। अब 21 का स्क्वायर अलग कर दिया भाई, 29 का स्क्वायर अलग कर दिया, माइनस के 20 का स्क्वायर अलग, 29 का स्क्वायर अलग, 29 दोनों में हर समान है तो 29 ले लिया भाई, 29 का स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा भाई, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटे में 29 का स्क्वायर 841, ऊपर कितना बच जाएगा भाई, 41, नीचे कितना बचेगा, 841, ये इसका क्या आ जाएगा भाई, मान आ जाएगा भाई बच्चों, बताओ कोई दिक्कत है भाई आपको। तो इस प्रकार आप मान निकाल सकते हो किसी का भी, अगर आपके फॉर्मूले याद है, लंब बटे कर्ण, रडार बटे कर्ण, चीजों से आप सब चीज निकाल सकते हो भाई। क्लियर हो भाई आप सभी का, तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है भाई। उसने बोला एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी दे रखा है, यदि टेन ए बराबर एक है तो सत्यापित कीजिए कि टू साइन ए कोस ए बराबर एक होता है। चलो भाई सभी करते यार, इसमें ही क्या हार्ड बात है, देखो भाई बच्चों, उसने भाई एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी और बी दे रखा भाई समकोण, एग्जाम्पल नंबर फोर है भाई, फोर, एक त्रिभुज दिया भाई उसने और बी क्या दिया भाई समकोण, इसे ए मान ले, इसे बी से सी, ये समकोण का मतलब 90 डिग्री। उसने बोला टेन ए बराबर एक, मतलब इस एंगल, ये एंगल है ना भाई, तो टेन ए बराबर एक, और तुम्हें पता टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो अगर मैं 1/1 मान लो, अभी तो बात हुई 1/1 का मतलब ये लंब होगा ये आधार, तो लंब बटे आधार, ये लंब होगा ये आधार, तो लंब कितना भाई एक, आधार भी कितना एक। सबसे पहले भुजा निकाल लो भाई ये वाली, क्योंकि हमें ज्ञात करना 2 sin A cos A बराबर एक सिद्ध करके दिखाना भाई, तो कर देंगे चलो सिद्ध भाई, ठीक है भाई। तो पहले वाली भुजा निकाल लो भाई, भुजा कैसे निकलेगी भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भाई, तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना भाई, तो कर्ण के आपका क्या भाई एसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या भाई आपका एक, तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा भाई, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना भाई एक, तो ये भी एक का स्क्वायर एक ही हो, तो एसी बराबर ये कितना एक और एक दो हो जाएगा भाई, लेकिन इधर स्क्वायर तो इधर क्या हो जाएगा अंडरूट, तो इसका मान आ जाएगा अंडरूट दो, कितना आ जाएगा अंडरूट दो मान आ जाएगा इसका भाई। उसने कहा ऐसा सिद्ध करके दिखाना, तो इसमें भाई 2 sin A बराबर कोस ओ इंटू कोस ए बराबर एक, तो एल एच एस साइड है या आर एच एस, तो मैं एल एच एस लेकर चलूंगा भाई, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 sin A इंटू कोस ए, 2 जुगा तो रहेगा भाई, साइन ए का मान, साइन बराबर क्या होता है भाई, साइन, साइन ए बराबर भाई लंब बटे कण होता है, कितना होता भाई लंब बटे कण, लंब कितना एक, कण कितना रूट दो, तो 1/√2,
कोसे बराबर क्या हो जाएगा भाई, आधार बटे कर्ण। आधार कितना एक, कर्ण कितना रूट टू, तो एक बटा रूट दो। अब तुम देखो भाई ये दो है ऊपर, दो ही आ जाएगा बटे रूट टू, रूट टू इसमें तो दो एक को मना जाएगा, तो इससे कैंसिल तो कितना आएगा एक, तो ये तो आर एच एस साइड है हमारी, तो ये हमें सिद्ध करना था भाई, तो हमारा एक इसका माना जाएगा भाई, ये हमें क्या करना था इसका सिद्ध करना था बस। ठीक है भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर पांच में है भाई, क्वेश्चन नंबर पांच में क्या बोला उसने, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, मतलब पी 90 डिग्री का, ओ पी भुजा दे दी 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया, तो साइन क्यू कोस क्यू के मान ज्ञात करे, ये मान ज्ञात करने भाई हमें, चलो भाई मान भी ज्ञात हो जाएंगे, इनमें कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। चलो भाई बच्चों देखो, सबसे तो पहले भाई आप क्या करना, एक त्रिभुज मान लो, चलो भाई त्रिभुज कैसे माना देखो, इसको समझने की कोशिश करना भाई कैसे हो सवाल। देखो उसने क्या दिया भाई आपको, दिया एग्जाम्पल नंबर है भाई आपका 5। उसने भाई आपको एक त्रिभुज दिया ओ पी क्यू, त्रिभुज दिया भाई जो आपको त्रिभुज दे रखा भाई ओ पी क्यू, क्योंकि उसने बोल रखा पी समकोण है, पी 90 डिग्री का कोण बना रखा, और उसने दिया भाई ओ पी भुजा दे दी भाई 7 सेंटीमीटर, कितनी दी भाई बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर दे दी। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दे दिया भाई 1, भाई ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दे दिया 1। ठीक है भाई बच्चों, तो उसने कहा साइन क्यू और कोस क्यू के मान निकालने, मतलब इसके इस एंगल के अनुसार भाई, इसके अनुसार तो लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई बच्चों आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो सबसे पहला आप यहां से मान निकालने स्टार्ट करो भाई, पाइथागोरस पर में क्या होती है भाई हमारी सबको पता भाई, ओ क्यू का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहां पर ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ये क्या है भाई आधार का स्क्वायर, आधार ले लो लंब ले लो कोई दिक्कत नहीं भाई, मतलब ओ पी का, जब पी ओ पी ले लो भाई, ओ पी का स्क्वायर प्लस ये क्या भाई लंब या आधार पी क्यू का स्क्वायर, ये होता है भाई हमें सबको पता भाई ये तो। लेकिन उसने क्या दे रखा भाई यहां पर, चीजें समझने की कोशिश करो भाई, उसने दे रखा हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो इस यहां से ओ क्यू का मान निकाल लो, तो ओ क्यू बराबर इसे परली साइड लेकर जाऊंगा तो 1 प्लस हो जाएगा पी क्यू भाई, प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये भाई, इधर माइनस को उधर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ओ क्यू का मान ही है रहा भाई हमारे पास, लेकिन अंडरूट में भाई इसका क्या है भाई अंडरूट में मान है। ठीक है भाई बच्चों, तो ओ क्यू बराबर इतना मान आएगा भाई, तो ओ क्यू की जगह ये रख दू भाई बच्चों में, भाई ओ क्यू की जगह ये वाला मान रख दू 1 प्लस, तो मान रख रहा भाई ओ क्यू जगह रख रहा, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर आपका युगत रहेगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, भाई ओ क्यू का मान ही रहा नहीं क्या यार, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू है ये मान ही, तो यार अब ये क्या बनना भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना, तो ये क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो एक जगह तो एक ही, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनना भाई ये नहीं बनना क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 भी होता है नहीं, एक जगह एक है बी की जगह पी क्यू है प्लस 2 जुगा तू, एक जगह एक है तो एक को क्या लिखो बी की जगह पी क्यू बराबर पी क्यू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यही तो होगा भाई। चलो भाई इसको सोल्व करो भाई, अब देखो बच्चों पी क्यू का स्क्वायर ही रहा, पी क्यू का स्क्वायर ही रहा, दोनों तरफ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा,
प्लस क्या आ जाएगा, टू पी क्यू बराबर ओ पी का स्क्वायर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ओ पी का स्क्वायर। ओ पी के मान कितना, ओ पी मतलब पी क्यू एक ही तो बात है भाई, पी ओ या ओ पी है, तो इसका मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस, टू पी क्यू बराबर कितना भाई, ओपी, ओपी का स्क्वायर कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाऊंगा भाई, तो टू पी क्यू बराबर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 हो जाएगा। सो 1 को उस साइड ले जाऊंगा भाई बच्चों में, ठीक है भाई, 1 को उस साइड ले गया तो 49 माइनस 1 हो जाएगा, तो टू पी क्यू बराबर 49 में देख जा कितना बचेगा, 48, ये सब कट जाएगा, कितना आ जाएगा पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा भाई बच्चों 24 आ गया, 24 दुनिया 48 हो जाएगा यार। तो पी क्यू का मान कितना आ गया, आपने त्रिभुज मान रखा था भाई बच्चों, ये ओ पी क्यू इसका मान 7 था, और पी क्यू का मान कितना आ गया 24, कितना आ गया भाई बच्चों 24। अब इसका मान निकाल दो, इसका मान निकाल लो कैसे भाई, देखो भाई बच्चों अभी हमने देखा भाई किसका मान निकाला, हमने निकाला पी क्यू का मान, किसका निकाला पी क्यू का, ओ क्यू का चाहिए तो यहां से निकाल लो भाई ओ क्यू का मान, भाई ओ क्यू का मान यहां से निकल जाएगा यार 1 प्लस 24, ये इसका मान कितना है 24 आ, तो कितना आ जाएगा 25, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई बच्चों 25 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा भाई बच्चों 25। अब आपको जो भी चाहिए सब हो जाएगा भाई, साइन क्यू का मान चाहिए इस एंगल के अनुसार चाहिए भाई, क्यों ये एंगल है तो साइन क्यू का मान चाहिए, जब ये एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब, ये आधार और ये कर्ण, भाई एंगल तो ये है तो इसके सामने भाई थीटा के, भाई कोई भी कोण हो कोण के सामने तो लंब होता है, ये आधार हो जाएगा कर्ण, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ही है और कर्ण ये, तो 7/25 हो जाए लंब बटे कर्ण। कोस क्यू बराबर, कोस क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोस क्यू बराबर क्या, ये इसके अनुसार तो लंब ही है आधार ये कर्ण ये, और कोस क्यू बराबर क्या आधार बटे कर्ण, और आधार कितना 24, 24/25 ये इसके मान निकल जाएंगे भाई। तो इस प्रकार आप कोस के साइन के सभी के मान निकाल सकते हो, बताओ भाई कोई दिक्कत है भाई आपको, बस क्या है आपको समझना है कोस थीटा इनके मान याद रखने पड़ेंगे, और एंगल के अनुसार किस एंगल के अनुसार बात हो रही, किसके भाई इसके अनुसार बात हुई लंबी है, इसके अनुसार बात होती थी इस वाले एंगल के अनुसार बात होती तो लंबी होता, तो अलग अलग कंडीशन के अनुसार चेंज होते रहे, इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो यहाँ तक देख लेना भाई आप, और आपको एक्सरसाइज भाई कल करा देंगे, ठीक है भाई लड़को।